रश्मि सिंह और आईबीएन 7 अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आया है विधानसभा चुनावों की खास कवरेज। इसकी शुरुआत हमने की है छत्तीसगढ़ की रणभूमि से, बस्तर से लेकर बिलासपुर तक, राजनंदगांव से लेकर रायगढ़ तक। क्या है यहाँ के लोगों की महत्वाकांक्षाएं, उनकी आशाएं निराशाएं, उनकी संघर्ष उनकी मुश्किलें, देखते हैं छत्तीसगढ़ की लड़ाई। चलिए हमारे साथ, बांधिए अपना बोरिया बिस्तरा और फॉलो। हम हैं दरभा घाटी के ग्राउंड जीरो पर। इस स्ट्रेच को जीरम घाटी कहते हैं और यही जीरम घाटी है जहां 25 मई 2013 को 35 लोगों को माओवादियों ने बेरहमी से मार दिया था, जिसमें कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप एक तरीके से कहें तो पूरी तरीके से वाइपआउट हो गई थी। इसी पुलिया पे जो है ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद तमाम नक्सलियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थी। कांग्रेस की जो परिवर्तन यात्रा यहां से गुजर रही थी उस पर, और अगर हम बात करें तो उस परिवर्तन यात्रा के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो अब नजर आ रहे हैं बस्तर की घाटी में। कांग्रेस को उम्मीद है कि जो हमला हुआ उसके बाद जो सिंपथी वोट है वो उनके पक्ष में जाएगा और इलाके का जो वोट है, जो लोग हैं वो उनके पक्ष में वोट करेंगे। आसपास के जो गांव हैं वो किस तरह से इस पूरे घटना को देखते हैं? ये घटना को बहुत ही अपने बस्तर जिला में दहशत हो गई जी, है जी, डरे हुए लोग अभी वोट देने के लिए क्या वो हो गया, डर गया। जहाँ तक सवाल है लोगों का, चलिए चलते हैं यहाँ के आसपास के गांव में और उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या उनको इस पूरे अटैक को लेकर क्या वो सोचते हैं और किस तरह से इसको देखते हैं। दरअसल पूरा बस्तर इलाका जो है वो काफी बड़ा है, अपने आप में ही एक प्रदेश कह लीजिए, और इस पूरे इलाके में करीबन 7 जिले हैं। पूरी आबादी करीबन 35 लाख होगी और करीब 9,500 महिला वोटर और 9,500 पुरुष वोटर। रास्ता बिल्कुल पथरीला है और काफी खतरनाक है। हम करकरा गांव के तीसरे पारे में हैं और काफी देर चलने के बाद हम यहां पे पहुंचे हैं। हमारे साथ सुनीता और अंजू है जो कि दूसरी कक्षा में पढ़ती हैं। और सुनीता, अंजू आपको कुछ सुनाना चाहती है। अंजू और सुनीता, कविता सुनाना चाहती हो? चलो सुनाओ कविता। मेरा देश, मेरा देश, खिलौना देश, चकमक चांदी सोना देश, पर्वत घाटी वाला देश, सोनी मट्टी वाला देश, जो आंखों का तारा देश, गीत प्यार के गाथा देश, मेरा और तुम्हारा देश, मेरा और तुम्हारा देश, आंखों का तारा देश। इनकी आंखों का तो तारा है देश, पर शायद देश के आंखों के तारे ये लोग नहीं है, क्योंकि जिस पारे में हम लोग अभी हैं, हमने इन सब से बात की गांव वालों से, यहाँ पे जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कार्ड भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, किस तरह से गांव की हालत नहीं है। तो वोट देने का वोटर आईडी कार्ड नहीं है, जो राशन दुकान से राशन लेने के लिए राशन कार्ड भी नहीं दिया। वो बोल रहा था जो फर्स्ट टाइम आए थे दादा जो बोला ना, बोलता है कि सरपंच सचिव मेरा राशन कार्ड को नया बना के देंगे, बोल के उसको ले लिए हैं, उसको वापस नहीं कर रहे हैं, अभी तेरा कार्ड नहीं बना है बोल के बोल रहे हैं। ये युवा है गांव का, क्या नाम है तुम्हारा? रिक्का। रिक्का जो है हम लोग को लेके आया इतने मीलों दूर, क्योंकि इसको लगता है इसके गांव की आवाज जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, सरकार तक पहुंचनी चाहिए। अब सवाल ये है कि जब इनके पास वोटर कार्ड ही नहीं तो ये अपना फैसला कैसे सुनाएंगे। ऐसे में इनकी सारे अधिकार जो है इनसे छीन लिए गए हैं और इनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है। हम चलते हैं आगे और देखते हैं बाकी इलाके में क्या हाल है।
और रास्ते में हम गरम गरम समोसे के लिए भी रुक गए और इसलिए भी रुक गए क्योंकि हमारे को मिली है कविता जो कि 18 साल की है और युवा वोटर है छत्तीसगढ़ की। पहली दफा कविता वोट करने जा रही है, हमारे साथ बैठी हुई है। काकी, आपकी लड़की पहली बार वोट करने जा रही है, आप 40 साल से यहाँ पे हैं, कई बार वोट करा है आपने, कुछ होता है वोट करने से, कुछ उम्मीद है आपको पार्टी कुछ करे? क्या उम्मीद है, कुछ भी तो नहीं मिला है। राशन दाल तो हम लोग वहाँ से लाते भी नहीं है। ये रघु दादा हमारे साथ है और ये इन लोग का घर है, यहाँ पे दुकान चलाते हैं। आपको लगता है कि सरकार की ये तमाम बातें बेमानी है क्योंकि कुछ विकास होता नहीं है, हर बार चुनाव आता और चला जाता है? विकास करने के लिए होता है, गरीब दुरीब को अब गांव की गलती है, शासन देती है लेकिन बीच के न आदमी, हाँ ये सब डिफाल्टर है बीच के आदमी। बहुत बड़ी बात कह रहे रघु काका, उनका कहना यह है कि उन तक जो करोड़ों खरबों रुपए की सरकारी योजनाएं हैं वो उन तक नहीं पहुंचती और शायद इसी वजह से उनकी जिंदगी जो है जस की तस है। सालों से उनके परिवार में उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला। जीरम घाटी से थोड़ी ही दूर ये जगह है कांगेर नेशनल पार्क और यहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं जहाँ आदिवासी रहते हैं। काफी संघर्ष भरी जिंदगी ये बिताते हैं यहाँ पे, इसके बावजूद कि करोड़ों की सरकारी योजनाएं हैं। और मुंगली बाई है हमारे साथ जो हमको लेके आई है अपना घर दिखाने के लिए। चलिए देखते हैं पहले उनका घर और ये देखते हैं कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। आइए, क्या घर में क्या आपके दिखाना चाह रहे हैं आप? मुंगली देवी यही बताना चाह रही है कि उनके घर में बिजली नहीं है और मिट्टी के तेल से वो किसी तरह से गुजर बसर करती हैं। आप देख सकते हैं घुप अंधेरा है यहाँ पे और पता नहीं कितने सालों से ये ऐसी जिंदगी बिता रही हैं। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य प्रदेश है, यहाँ पे 50% से ज्यादा, अगर बस्तर इलाके की बात करें 50% से ज्यादा आदिवासी हैं और ये बस्तर जिला जो है बस्तर जो पूरा संभाग है ये डिसाइडिंग फैक्टर भी माना जाता है। कहा जाता है कि बस्तर जिसके साथ खड़ा है उसकी ही सरकार रायपुर में बनती है। पर आप देख रहे हैं इसके बावजूद कि बस्तर पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है और आदिवासी अभी भी अति पिछड़े पन में जी रहे हैं। डॉक्टर की परेशानी है, कभी इसमें जो किसी को कुछ होता है तो इसके पास नहीं है, करीबन 15-20 किलोमीटर जाना पड़ता है डॉक्टर की खोज करने के लिए। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या हाल है बाकी गाँव का। गणपत उन लोगों में से एक है जो जीरम घाटी में जिसकी मौत हो गई और उसके परिवार में कौन कौन है और किस स्थिति में रह रहे हैं ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और क्या उनका रुख है, आइए पूछते हैं। अम्मा ये बताइए, आपका बेटा गया तो बेटा कुछ बता के गया था आप? नहीं, 4 बजे लास्ट 4 बजे समांत अब चुनाव फिर से आ रहे हैं, रैली में शामिल होने गया था, चुनाव आ रहे हैं। आपको लगता है वोट डालेंगे आप? कौन जाओ आप, या तो सुन लो किसी में करो। क्या कह रही है? बोल रहे हैं कि अभी रैली में जाने के लायक गांव में तो घर में तो कोई नहीं, वही था एक बोल रही है। तो आपका भाई काफी रैलियों में हिस्सा लेता? हाँ वो तो जाते हैं बहुत ज्यादा, मतलब जब भी फोन करने से ना वो नहीं बोलता रहता। वोट डालेंगे? मन तो हट गया है मैडम, वोट मेरे को ध्यान नहीं देता हूँ उस सब चीज में। आप सुन सकते हैं इस परिवार के लिए हमेशा के लिए लोकतंत्र से भरोसा उठ गया है, भरोसा इस बात से उठ गया है कि जिंदगी में जो है खुद के लिए भी और औरों के लिए भी कुछ करना है, ये जिंदगी के संघर्ष से जूझ रहे हैं।
जीरम घाटी से जगदलपुर के रास्ते में हमें तीरथगढ़ मिला। तीरथगढ़ की लोगों ने इतनी तारीफ की यहाँ के कि हमको यहाँ पे रुकना ही पड़ा। और हम हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुरोहित वो है साथ में, आइए उनसे पूछते हैं कि क्या है मान्यता पंडित जी यहाँ के। पहले जमाने के यहाँ राजा लोग परवी चंद्र भंजदेव की उसकी परदादी दादी समय से यहाँ राज करते थे। भीतरगढ़ बाहरगढ़ और रानी का एक बहुत सा कुंड है पहाड़ के अंदर में, वो रानी ने वहाँ सती गया उसका रथ का निशानी है। और हम लोग यहाँ पूजा पाठ करके हर दिन दीप जलाते हैं। ये इंडिया इनक्रेडिबल है लेकिन इनविजिबल है, तो चलिए चलते हैं देखते हैं तीरथगढ़ फॉल्स और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या अजूबा है तीरथगढ़ में। तीरथगढ़ फॉल्स बेहद खूबसूरत, लेकिन भारतीय तो विदेश जाते हैं प्राकृतिक सुंदरता को ढूंढते हुए, क्योंकि शायद उनको भी नहीं मालूम कि उनके घर में ही इतनी खूबसूरती छुपी हुई है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर जो है वो लोगों से छुपी हुई है, और खास तौर से बस्तर की ये इलाका बेहद खूबसूरत है, लेकिन नक्सली प्रभाव के चलते यहाँ कोई आता नहीं। और शायद यही वजह है कि आज तक मैंने भी ये तीरथगढ़ फॉल्स नहीं देखे थे। यहाँ की संस्कृति सभ्यता अद्भुत है। जी हाँ, ये संगीत सुनकर इतना मधुर लग रहा है, इतना पीसफुल लग रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और शायद आदिवासी अपनी संस्कृति और सभ्यता को बहुत मान देते हैं और उसको बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करते हैं, शायद इसीलिए आज भी इनकी संस्कृति जो है वो सलामत है। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए छत्तीसगढ़ की लड़ाई। आपको लगता है जीरम घाटी का जो कांड हुआ वो आप पर भारी पड़ेगा? जीरम घाटी के बारे में मैंने नहीं, माननीय कांग्रेस के प्रत्याशी ने खुद स्वीकार किया है कि ये कांग्रेस की चूक है।